हेलो गाइस, मैं हूँ एनआई बीएमएस का स्टूडेंट एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा पर आपका स्वागत है। एंड गाइस, आप सभी राजस्थान आयुष एस्पिरेंट के लिए बिगेस्ट ही गुड न्यूज़ है गाइस। तो गुड न्यूज़ क्या है, उसके लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो गाइस, राजस्थान आयुष काउंसलिंग के जो सेकेंड राउंड है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो आयुष कॉलेज है उनकी लिस्ट यहाँ पर रिलीज कर दी है, और इसमें कुछ प्राइवेट जो कॉलेज है उनको यहाँ पर परमिशन दी गई है, एंड जो बाकी प्राइवेट कॉलेज है उनको कब तक परमिशन मिलेगी, तो इन सब के बारे में जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना देर के वीडियो के एंड तक बने रहे। हेलो गाइस, तो राजस्थान आयुष काउंसलिंग बोर्ड ने आज जो है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले कॉलेज की लिस्ट जो है रिलीज कर दी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है कुछ प्राइवेट कॉलेज को जो है सेकंड राउंड में परमिशन मिली है, जबकि कुछ प्राइवेट कॉलेज जो है वो अभी तक भी वेटिंग में चल रही है। तो गाइस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आप वो मॉपअप राउंड तक पार्टिसिपेट करेगी या फिर नहीं करेगी। ओके गाइस, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो गाइस, जो कैंडिडेट बीएमएस की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो है वेरी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ बीएमएस की जो प्राइवेट कॉलेज है उनको परमिशन मिल चुकी है, एंड जो बाकी की प्राइवेट कॉलेज है वो अभी तक वेटिंग में है, लेकिन उनको भी जो है मॉपअप राउंड तक परमिशन मिल जाएगी। ओके गाइस, तो आप जैसे ही राजस्थान आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे एक नोटिस आपको दिखेगा 25/1/2021 का, जो आज इन्होंने रिलीज किया है आयुष कॉलेज की लिस्ट। ओके गाइस, ये कॉलेज जो है कौन कौन सी कॉलेज जो है वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगी उनकी इन्होंने लिस्ट जो है वो आज रिलीज कर दी है। ओके गाइस, तो इसको यहाँ से आप डाउनलोड करना। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ से आपके सामने जो है कॉलेज की जो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले कॉलेज की लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो गैस, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जो जोधपुर है, इसको तो, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसको तो फर्स्ट राउंड में भी परमिशन मिली हुई थी। एंड मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, तो इसको भी यहाँ पर जो है फर्स्ट राउंड में परमिशन मिली हुई थी, लेकिन ये यहाँ पर जो है ये प्राइवेट कॉलेज है, अभी तक ये वेटिंग में चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज को जो है सेकंड राउंड में परमिशन मिल चुकी है। ओके गाइस, तो ये जैसे कि आप देख सकते हो काला आश्रम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर, इसको यहाँ पर जो है परमिशन मिल चुकी है और ये सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाली है, और इसमें 51 सीट्स है। ओके गाइस, तो ये आप सभी के लिए एक वेरी गुड न्यूज़ है गाइस। जो कैंडिडेट बीएमएस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करें, और हो सकता है उनको जो है इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, एंड बाकी की जो कॉलेज है उनको भी गाइस जो है यहाँ पर परमिशन मिल जाएगी मॉपअप राउंड तक। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है इनका पूरा सेशन जो है वो बर्बाद कर दिया जाए। यहाँ पर सीसीआई ने इनको जो है पनिशमेंट किया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो है पूरी काउंसलिंग से बाहर रहे, ऐसा हर साल होता है, लेकिन इस साल क्या है लॉकडाउन होने की वजह से जो है कॉलेज अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाई, इसलिए जो है ये 2 राउंड से जो है यहाँ पर बाहर हुई। आप देख सकते हो यहाँ पर एक कॉलेज को जो है एक प्राइवेट कॉलेज को यहाँ पर परमिशन मिल चुकी है, एंड बाकी की जो कॉलेज है उनको भी मॉपअप राउंड तक जो है परमिशन मिल जाएगी। ओके गाइस, तो ये आपके लिए वेरी गुड न्यूज़ है। जो कैंडिडेट यहाँ पर बीएमएस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करें और यहाँ पर जो है सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करें। ओके गाइस, और यहाँ पर होम्योपैथी की एक प्राइवेट कॉलेज है उसको भी जो है यहाँ पर परमिशन मिली है, जो ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी जयपुर, तो इसको जो है यहाँ पर जो है सेकेंड राउंड में परमिशन मिल चुकी है, ये सेकेंड राउंड में यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करेगी। ओके गाइस, और जो एक बीएनवाइस की जो है प्राइवेट कॉलेज, इसको भी यहाँ पर जो है परमिशन मिलेगी, परमिशन मिल चुकी है वही ज्योति विद्यापीठ। तो गैस, जैसे कि इसको बीएनवाइस और होम्योपैथी इसमें इसको परमिशन मिल चुकी है, लेकिन इसको अभी तक जो है बीएमएस में परमिशन नहीं मिले, तो आप मान के चल सकते हो कि इसको मॉपअप राउंड में जो है परमिशन मिल जाएगी। ओके गैस, तो आई होप जो है कि इन जो जितनी भी कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज जो अभी तक वेटिंग में है उनको जो है मॉपअप राउंड तक जो है परमिशन मिल जाएगी। ओके गाइस, इसलिए अगर आप बीएमएस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जो है मॉपअप राउंड तक जो है वेट करो, और बाकी जो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करो। जो एक प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पर जो है उसको परमिशन मिली है, तो उसमें जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और हो सकता है आपका एडमिशन उसमें हो जाए।
ओके गाइस, तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एंड गाइस, हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको काउंसलिंग से जितने भी अपडेट है वो सारे अपडेट आपको वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।